सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप 5 बॉलीवुड चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अब बिहार पुलिस भी सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम सबको रोज कई अलग तरह के राज सुनने को मिल रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में मीडिया ने सुशांत के बॉडीगार्ड से पूछताछ की और सुशांत के बॉडीगार्ड ने कई राज हम सबके सामने रखा। दोस्तों, सुशांत के बॉडीगार्ड ने इंटरव्यू में ये कहा कि सुशांत के अकाउंट से ही सारा पैसा खर्चा होता था, यहाँ तक कि रेहा चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के भी सारे खर्चे सुशांत के पैसों से ही किए जाते थे। रेहा चक्रवर्ती सुशांत के घर पर पार्टी रखती थी और शौविक भी उनके दोस्तों को इनवाइट करते थे और सारा पैसा सुशांत के बैंक से खर्चा होता था। बॉडीगार्ड ने यह भी बताया कि कैसे सुशांत हमेशा अपने रूम में सोते रहते थे, जबकि रेहा चक्रवर्ती सुशांत के पैसों से पार्टीज करती थी। बॉडीगार्ड ने बड़ी बात ये बताई कि उन्होंने पहली बार रेहा चक्रवर्ती को अप्रैल 2019 में सुशांत के साथ देखा था। उस दौरान सुशांत रेहा चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ यूरोप ट्रिप पर गए थे। यूरोप से वापस आने के बाद सुशांत की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी और यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत ने जिम और स्विमिंग भी करना छोड़ दिया था। बॉडीगार्ड ने यह भी बताया कि रेहा जब सुशांत के साथ रहती थी, सुशांत के कोई भी फैमिली मेंबर्स को घर पर आना मना था, पर रेहा की फैमिली कभी वहां पर आकर रहती थी। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के सभी पुराने स्टाफ को नए स्टाफ से रिप्लेस भी कर दिया था और सुशांत कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वो हमेशा बीमार रहते थे और सोते रहते थे। बॉडीगार्ड ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती हमेशा महेश भट्ट से मिलती रहती थी और कहा कि उन्होंने कई बार रिया को महेश भट्ट के घर पर खुद छोड़ा था।